अस्सलामु अलैकुम, आई होप यू विल बी फाइन। आई एम योर साइंस टीचर। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो या आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ये यूनिट नंबर 3 है हमारा, लिविंग ऑन अर्थ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम एक दफ़ा पीछे से रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हम बबू का जो पेज सॉल्व करना है वो हमें मदद मिले सॉल्व करने में। यहाँ पे फर्स्ट पे है, लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होती हैं मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, ईट, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनमें से कोई काम नहीं करती। तो इस चैप्टर में हमने लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट था मूवमेंट। हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट एंड एनिमल्स मूव, के प्लांट और एनिमल दोनों मूव करते हैं। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, के जो प्लांट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन उनके जो लीव्स और फ्लावर होते हैं ना, वो मूव करते हैं। जैसे कि सनफ्लावर है, जहाँ पे सन की डायरेक्शन होगी, फ्लावर अपना फेस भी सन की तरफ कर देगा, वहाँ को अपना फेस करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। आगे, एनिमल्स यूज दियर लेग टू मूव टू सर्च फॉर फूड, के जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी लेग्स को मूव करते हैं ताकि वो अपना फूड है उसको सर्च कर सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग ग्रो, के जो जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उन्होंने ग्रो करना है। फर्स्ट पॉइंट था मूवमेंट, सेकंड वाला ग्रोथ, और आगे हमारा थर्ड वाला है फीडिंग। विदाउट फूड एंड वाटर लिविंग थिंग्स वुड डाई, पानी और खाने के बगैर जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी मर जाएंगी। जैसे कि फॉक्स है, ईट मीट, फॉक्स को जिंदा रहने के लिए मीट की ज़रूरत होती है, और गोट को जिंदा रहने के लिए ग्रास की ज़रूरत होती है। अगर गोट को ग्रास नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगी, और फॉक्स को मीट नहीं मिलेगा तो वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट है फीलिंग, एनिमल्स फील इन डिफरेंट वे, जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट वे में फील करते हैं। मोस्ट एनिमल्स यूज देयर सेंसेस, दे वर्ड अराउंड देम बाय यूजिंग देयर सेंसेस, के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने सेंसेस यूज़ करते हैं ताकि वो वर्ड को सेंस कर सकें। तो वो यूज़ करते हैं अपने आइज़, नोज, स्किन, एयर एंड टंग्स, अपनी टंग को यूज़ करते हैं, आइज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो वर्ड को सेंस कर सकें। एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन, यूज़ देयर सेंस ऑर्गन टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर। एनिमल्स जो उनसे अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने खाने को तलाश कर सके, और उन पर कोई भी खतरा हो वो उसको महसूस कर सके। प्लांट डू नॉट हैव सेंसेस, लेकिन प्लांट के पास सेंसेस नहीं होते। इसमें हमने एनिमल्स के पास सेंसेस होते हैं लेकिन प्लांट के पास सेंसेस नहीं होते। नेक्स्ट वाला हमारा ब्रीथिंग, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव आ नोज, उनके पास नोज होता है जिससे वो ब्रीथ करते हैं। आगे है प्लांट, प्लांट के पास, प्लांट जो होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, इनमें इनके पास ना स्टोमेटा होता है जो इनके लीव्स में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट वाला था रिप्रोडक्शन, एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नेक्स्ट वाला रिप्रोडक्शन, एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज को पैदा करते हैं। अदर एनिमल्स सच हैज़ बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट प्रोड्यूस एग्स, जबकि दूसरे एनिमल जिनमें बर्ड, रेप्टाइल और इंसेक्ट है वो एग को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है हमारा हैबिटेट, द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, कि उस जगह को हमने हैबिटेट किया है जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहते हैं। हम अपनी बब्बू का पेज नंबर 26 और 27 सॉल्व करेंगे। अब हम ये बब्बू का पेज नंबर 26 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है जिनके हमने आंसर राइट करने हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू एनिमल यूज देयर सेंस ऑर्गन फॉर, कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका हम आंसर यहाँ पे राइट करेंगे, एनिमल यूज़ देयर सेंस टू फाइंड फूड एंड टू सेंस डेंजर, कि वो जो अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हैं ताकि अपने खाने को तलाश कर सके, और जो उसको खतरा हो कि कोई उसको शिकार करने वाला है, उसको कहीं से खतरा हो, उसको महसूस कर सके। तो इसका आंसर है, एनिमल यूज़ देयर सेंसेस टू फाइंड फूड एंड टू सेंस डेंजर, ताकि वो अपना खाना तलाश कर सके और डेंजर को सेंस कर सके। सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू एनिमल्स इफ डज इज नॉट ईट और ड्रिंक, कि एनिमल्स के साथ क्या होगा जब उनके लिए खाने के लिए ना खाना हो, पानी होगा। द एनिमल विल बी डाई, अगर किसी एनिमल्स के पास ना खाने के लिए कुछ हो, ना पानी पीने के लिए हो, तो वो मर जाएगा। आगे वाला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प अ फिश टू ब्रीथ, कि वो कौन सा ऑर्गन है जो फिश की मदद करता है कि वो ब्रीथ कर सके। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश है वो अपने गिल्स को यूज़ करती है ताकि वो ब्रीथ कर सके। तो फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश अपने गिल्स को यूज़ करती है ब्रीथ करने के लिए। अब ये पेज नंबर 27 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, तो हमने ना ये ऊपर वाले वर्ड यूज़ करके फिलिंग दी ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट पे है डैश एंड डैश ले एग्स, के जो एग देते हैं जानवर्स के हमने नाम राइट करने हैं, वो है बर्ड्स और स्नेक, ये एग देते हैं। तो हमने यहाँ पे राइट किया, अ कैट गिव्स डैश टू बर्थ,
कैट किटन, किटन को वो बर्थ देती है, कैट का जो बेबी होता है उसको किटन कहते हैं, तो हमने यहाँ पे किटन राइट करना है टू बर्थ, बर्थ के जरिए वो जो बेबी पैदा होता है उसको हम किटन कहेंगे। प्लांट टेक इन एयर थ्रू टीनी होल इन देयर, प्लांट के जो टीनी होल होते हैं वो उनसे ना एयर को अपने अंदर लेके जाता है, वो लीव में मौजूद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, तो वो होल इसके लीव में मौजूद होते हैं, तो हम यहाँ पे लीव्स राइट करेंगे। प्लांट डू नॉट हैव अ डैश ऑर्गन, हमने भी अभी रीडिंग में पढ़ा था कि एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं लेकिन प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, तो हम यहाँ पे सेंस राइट करेंगे। अगर नेक्स्ट वाला है बेबी ग्रो इन टू डैश, कि बेबी जब बड़े, बेबी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं ना, तो बेबी ग्रो करेंगे अडल्ट में हो जाएंगे। नेक्स्ट है रीअरेंज द लेटर टू मेक थ्री लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, फर्स्ट वाला ये लेटर है, ये इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये बेलून बनेगा। सेकेंड वाला है ये देखिए एल ए टी ए ई, ये बन जाएगा टेबल। ये हमारा थर्ड वाला है सनफ्लावर, फोर्थ वाला है ग्राफा, ये है बास्केट और ये है मंकी। तो हम यहाँ पे अपने लिविंग थिंग राइट करेंगे, मंकी सनफ्लावर, नॉन लिविंग थिंग में हमारे बैलून टेबल बास्केट। और ये आपकी डायरी है जो आपने अपना काम घर में करना है, वर्कबुक का पेज नंबर 26 और 27 उसको लर्न भी करना है, उसको राइट भी करना है। ओके, थैंक यू।